सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देवभूमि हिमाचल में चंबा ज़िले के खजियार हिल स्टेशन से तो फाइनली दोस्तों पूरी रात ड्राइव करके बीच में थोड़ा सा स्टे करके अपन पहुंच चुके हैं खजियार। और खजियार के नज़ारे कुछ इस तरह के पीछे, तो चलते हैं अभी आपको बढ़िया से मिनी स्विट्जरलैंड घुमाते हैं। तो भाई देखो दोस्त, अपने बिल्कुल सामने जा चुके हैं और गाड़ी हमने देखो वहाँ पार्क की है। तो ऐसी ट्रेल है नीचे आने के लिए, तो कुछ इस तरह से दिखता है भाई। काफ़ी खुला मैदान है और बढ़िया हरी हरी घास है इसमें, तो थोड़ा आपको अंदर ले जाते हैं ना और बढ़िया से दिखाते हैं भाई। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे होंगे भाई, धूप अभी तक भी नहीं आई है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि आज पहाड़ों का मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है, बादल लगे हुए हैं, आज मौसम ही ख़राब है भाई। और ये काफ़ी लंबा मैदान है भाई, देखो दूर दूर तक दिख रहे हैं इसमें होटल्स, काफ़ी दूर तक है ऊपर। और ये पड़ता है भाई आपका चंबा ज़िले में, जो पठानकोट वाला हाईवे है ना, उसी में से आपको 6-7 किलोमीटर आना है, ज़्यादा दूर भी नहीं, आप आराम से पहुँच सकते हैं। वैसे शिमला में भी ऐसी बढ़िया बढ़िया जगहें हैं, पर अगर आप हिमाचल से बाहर से आ रहे हो ना, फिर भाई देखने लायक जगह है। थोड़ा सा हटके तो है भाई, थोड़ा सा सुंदर तो हमारे को भी लग रहा है। काफ़ी बड़ा ग्रासलैंड है घास का, आराम से इसमें आप पूरे दिन चिल कर सकते हैं। लोग यहाँ पे लोकल्स मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं सुबह सुबह। और अभी उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे इसमें एक तालाब भी है, वहाँ भी बढ़िया मस्त मस्ती फ़ोटो खिंचवाते हैं। देखो इसके नीचे से थोड़ी सी पानी की धार भी बह रही है, ये उस तालाब तक जा रही है भाई। ये पानी पूरा जंगलों से आता है भाई, ऊपर काफ़ी घना जंगल है। तो भाई सीन ऐसा ना, यहाँ पे पूरी दलदल सी ज़मीन है, इसलिए भाई लोग देखो पूरे घूम के जा रहे हैं ऊपर से। और बहुत सारी इसमें ना ओस है सुबह, मेरे तो वाटरप्रूफ शूज़ है भाई, इनके जूते गीले हो रहे हैं। इस तरफ पूरे होटल्स एंड रेस्टोरेंट है, अगर स्टे और खाने के ऑप्शन ढूंढ रहे ना तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और पीछे भी भाई काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे ऊपर, तो होटल्स वगैरह की कोई कमी नहीं है यहाँ पे भाई। चेक करो आप खजियार के नज़ारे, कितनी सुंदर फ्रेम है भाई। ओ भाई साहब, तो भाई देखो यहाँ पे भी एक बोट खड़ी है ना, उस पे जा रखा है भाई डंडा निकालने के लिए। फोटो लेते लेते भाई की चप्पल नीचे गिर गई है भाई, आकाश भाई की देखो। और भाई अब देखो डंडे से निकाल रहे हैं भाई चप्पल, और यहाँ ना बड़ी बड़ी मछलियाँ आ रही है। ओ भाई भारी है, भारी है लोहा, ये और गई भाई, और गई और गई, हाथ से निकाल, और दूर जाएगी हाथ से निकाल ले। तो देखो भाई बिल्कुल बाजार के बीच है नाग देवता जी का मंदिर, आप यहाँ पे भी बढ़िया से विजिट कर सकते हो। अभी हम भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई आपसे। तो अभी हम बढ़िया से नाग देवता जी के मंदिर में दर्शन भी करे आए हैं। जो ये झील है ना, इसका भी पौराणिक महत्व है और नाग देवता जी का कनेक्शन है। इसी झील में शेष नाग देवता जी कई बार दर्शन दे चुके हैं लोगों को, तो यहाँ के वो स्थानीय देवता जी है। लोग यहाँ पे शुभ कार्य करने से पहले उनकी एक बार पूजा कर लेते हैं। और जो मंदिर बना है ना, वो 800 साल पुराना है भाई, मंदिर बहुत पुराना है और कई सारे चमत्कार यहाँ पे हुए हैं। मंदिर में बहुत सारी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। और जो नाग देवता जी थे ना, उनका नाम था खज्जी, ख्वाजा बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम भी पड़ा है भाई। और चलो चंबा का बोर्ड भी यहीं लगा है और भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं भाई, बैटरी कम है कैमरे में। दिस इज ऑल अबाउट दिस खजियार प्लेस। तो भाई साहब सीन ऐसा है ना, थोड़ा सा गाड़ा भी खराब हो गया है और खजियार में अपनी बैटरी कम थी कैमरे में, और गाड़ी से ही चार्ज कर रहे हैं तो सबके फ़ोन वगैरह चार्ज हो रहे हैं, इसलिए चार्जिंग कम है। पावर बैंक वगैरह ख़त्म हो चुके हैं अपने यात्रा में, मणिमहेश यात्रा में। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, पर रास्ते में जो जो जगह नज़दीक है ना और विजिटेबल है, मतलब जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, तो उन जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रत्यक्ष ज्वाला माता का मंदिर है, वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, जैसे सीन रहेंगे आपको बताते रहेंगे भाई। तो ये है भाई सामने ज्वाला जी बस स्टैंड ना, और यहीं सामने मंदिर का रास्ता भी है। देखो थोड़ा सा प्लेन एरिया है भाई, इसलिए गर्मी बहुत है यहाँ पे, पसीना पसीना हो गया 2 मिनट में गाड़ी से उतरते ही। आशीष भाई कैसी गर्मी है? हाँ गर्मी लग रही है कि नहीं? गर्मी तो बहुत है भाई, कुछ इस तरह की टोकरी हमने ले ली है। बाकी भाई पसीना बहुत आ रहा है भाई। अरे घर की बात सुन, मंदिर परिसर कुछ इस तरह का है भाई। तो भाई जो मेन मंदिर है ना ज्वाला माँ का, वो कुछ इस तरफ है शायद से, और इस तरह के रास्ते से अंदर जाना पड़ता है। तो भाई फाइनली अपने दर्शन हो चुके हैं, बढ़िया माँ की जो दिव्य ज्योति है उसके दर्शन हमने कर लिए हैं। काफ़ी सारी ज्योतियाँ हैं इसमें ऊपर, आप जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हो। और दिव्य ज्योतियाँ दोस्तों वो कई वर्षों से, कई युगों से जलती आ रही है, और उसका साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, पर मान्यता ये है ना कि वो ज्वाला माता है। बाकी आकाश भाई आपको दर्शन करके कैसा लगा?
अच्छा लगा, मन को शांति मिली। भाई लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो आगे इधर बावे बुए ना लुंडे आ रहे तो थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान रखना, अलर्ट रहना है, बाकी और कुछ नहीं है, अलर्ट रहना है दर्शन करते हुए। जय माता दी का लंगर ग्रहण किया जा रहा है। तो भाई इस यात्रा से तो हम काफ़ी जल्दी वापस पहुंच गए थे और ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट एडिट कर रहा हूं, और इस यात्रा से हम वापस पहुंचे थे रात के समय। इस ट्रिप में ना हम 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर करके आए। शिमला डिस्ट्रिक्ट से हमने सीधा एंटर किया बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हुए भाई हमारे। और चलो ये तो हो गई जो हमारे ट्रैवल की बात होगी। जो इस ट्रिप से हम वापस आए ना भाई, तो मुझे ना ज्वालामुखी के बारे में मैक्सिमम ज़्यादा पता नहीं था, बस इतना पता था कि हमारे यहाँ से काफ़ी लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, काफ़ी मान्यता है, काफ़ी लोगों की वहाँ पे इच्छाएं मुरादें और मन्नतें पूरी होती है, जो भी आप बोल लो। बाकी मैं पहली बार गया उस मंदिर में, पर मुझे पता था कि वो रूट में ही आएगा, तो उसको कवर करके ज़रूर आएंगे, वहाँ पे दर्शन करके ज़रूर आएंगे। जब मैं घर पहुँचता हूँ ना, तो मुझे उसकी असली महत्वता का पता लगता है। हालांकि श्रद्धा मेरे मन में उस टाइम भी फुल थी जब मैंने दर्शन किए, तो बात कुछ ऐसी है ना, कुछ इस तरह की ज्योति जलती रहती है वहां पे। कई लोग बोलते हैं ना कि इसके नीचे ज्वालामुखी है, ज्वाला माता का प्रत्यक्ष प्रमाण आप इस चीज से पता लगा सकते हैं ना कि जो अकबर था ना वहां पे उसने एक छत्र चढ़ाया था सोने का। तो भाई मैंने वो छत्र भी देखा वहां पे। हमने सोचा भाई कि इसमें धूल मिट्टी लग गई है इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है सोने का छत्र, पर बात ऐसी हुई थी ना भाई, ये मुझे अपने फादर से पता लगा, उसने घमंड में वो सोने का छत्र चढ़ाया था और वो कांसे का हो गया था। तो ये शक्ति है ज्वाला माता की। अगर आप भी जा रहे हो ना उस रूट से, तो जरूर जाओ भाई एक बार ज्वाला माँ के मंदिर, और वो दिव्य ज्योति देखो। मैंने अंदर बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया भाई, हालांकि लोग फोटोज बना रहे थे, वीडियोज ले रहे थे ना, पर भाई अगर ऐसी जगह पे जा रहे हो ना आप, देवी देवता के पास जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, तो भाई अपना तो मन नहीं करता है कि मंदिर में अंदर जाके भी हम भगवान के सामने उनकी फोटो लेने लग जाए। बाहर तक ठीक है, पर अंदर तो भाई सच्चे मन से श्रद्धा से जाना चाहिए। एक बार दर्शन करके आप वीडियोस वगैरह ले सकते हो, पर मैंने बिल्कुल भी अंदर वीडियो नहीं बनाई भाई। पर अपनी ये ट्रिप बढ़िया रही, और होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।